बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी पराठा, जिसके लिए हमें चाहिए है आटा। हमने ये नॉर्मल आटा लिया है, ये वाला मीडियम है। प्लेन फ्लावर लिया है, ऑयल लिया है, सॉल्ट है, पानी है, और हमने ये वाला कप यूज़ किया है। दो हमने आटा के लिए लिए हैं, दो ये लिए हैं प्लेन फ्लावर के। अगर आपने मेजरिंग कप यूज करने हैं तो आप वो भी ऐसे ही दो दो ले लें सेम, तो सॉल्ट अपने हिसाब से डाल लें। हमने ये इतने के अंदर 1 टीस्पून तकरीबन सॉल्ट डालना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल के। रेसिपी आपको मिल जाएगी वीडियो के एंड से ना जी, पूरी देख लिया। जो बगैर सब्सक्राइब के हमारी वीडियो वॉच करते हैं ना, वो सब्सक्राइब कर दें, पैसे नहीं लगेंगे किसी के भी। अच्छा है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, फिर आपको हमेशा हमारी वीडियो का पता चलता रहेगा जब कुछ पोस्ट करेंगे। अब हम इसकी डो बनाते हैं। हमने आटा को गूंद लिया है, इतना होना चाहिए है ना, बहुत थिक है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के, क्लिंग फिल्म लगा के इसको हाफ आवर के लिए रख देंगे। इधर ही बाहर ही पड़ा रहने देंगे रूम टेम्परेचर पे, कौन सा इतने गर्मी है। हमारे आटे को हाफ आवर हो गया था, अब हम आपको पराठा बना के दिखाते हैं। पराठे का साइज भी आप बड़ा छोटा कर लें जैसे पसंद है, साइज और शेप जो मर्जी कर लें। आप ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं, और ड्राई वाला जो आटा है वो भी आपकी मर्जी है, मैं ड्राई वाला यूज कर रही हूँ। ऊपर वैसे भी हमने वो घी यूज करना है, वो जो देसी घी है जैसे ना, उसकी रेसिपी हमने दी हुई है आपको, घर में बनाया था वो भी जी। ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा लगा डालेंगे। हम स्क्वायर पराठे बना रहे हैं, आप पेड़े बना बना के ऐसे रख लें, फिर इजी है। थोड़ा टाइम दे देना, फिर वो बेलना बहुत इजी रहता है। फौरन से करें ना तो वो बढ़ता नहीं है जल्दी जैसे, तो थोड़ा सा रेस्ट दे लें, ज्यादा सही बन जाता है। ये देखिए, मतलब एक नाइस क्रिस्पी रेडी हो गया है। अब आपको दूसरा चीज के साथ करके दिखाते हैं। ये मोज़रेला चीज है, आप कोई भी अपनी पसंद की डाल लें, टू मच नहीं डालनी, फिर वो पराठे में से बाहर ढंकेगी। हमारे पराठे रेडी हैं, बहुत ही अच्छे और खस्ता पराठे बने हैं। आप भी हमारी रेसिपी से ज़रूर बनाना। ये नॉर्मल वाला है प्लेन, ये देखें उसकी आवाज़, और ये चीज़ वाला है, देखें अंदर चीज़, खुद ही मुंह खोले खड़ा मुझे देखो। वो कहता मुझे खा लो, मुझे खा लो। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ आप अचार ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे आप खा सकते हैं इनको। बहुत नाइस एंड क्रिस्पी है, ज़रूर इन्जॉय करेंगे। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।